अयोध्या राम मंदिर के भूमि पूजन की तैयारियां पूरी हो गई है। 5 अगस्त का दिन ऐतिहासिक होने जा रहा है। ऐसे में इसके लिए विशेष तैयारियां की गई है। पूरी अयोध्या को सजाया गया है, दिवाली जैसा माहौल है। सरयू नगरी केसरिया रंग से सजी है। कहीं थाईलैंड के मनमोहक फूल, कहीं गेंदे के पीले फूलों की लड़ी, तो कहीं रंग बिरंगे फूल अपनी महक से सम्मोहित कर रहे हैं। गलियों में हलवाइयों की दुकानों से उठ रहे मोतीचूर और बेसन के लड्डुओं की महक मदहोश कर रही है। कहीं रामचरितमानस का अखंड पाठ हो रहा है, तो कहीं ढोलक खंजरी पर सुहर गूंज रही है। गलियों से महिलाओं के खिलखिलाने की आवाजें आ रही हैं, तो मंदिरों से साधुओं का राम नाम का जाप हो रहा है। कोई कलश सजाने में मग्न है, तो कोई दरवाजे पर राम नाम की पट्टिका टांग रहा है। हर ओर भगवान श्री राम का नाम गूंज रहा है। सभी को भूमि पूजन का इंतजार है। राम मंदिर के शिलान्यास और भूमि पूजन समारोह से अनजान छोटे बच्चे पीपरी बजा रहे हैं। बीच बीच में अचानक जय श्री राम के नारे से पूरा वातावरण गूंज उठता है। जय श्री राम के उद्घोष के वक्त लोगों के कदम जहां के तहां ठहर जाते हैं। सभी श्रद्धा से नतमस्तक हो उठते हैं। छतों की मुंडेर पर अन्य दिनों की अपेक्षा कुछ ज्यादा भीड़ है। राम नाम शोर उठते ही सुरक्षा में तैनात जवान चौकन्ने होते हैं। हर कोने पर कड़ी सुरक्षा व्यवस्था है। सुरक्षाकर्मी हर आने जाने वालों को कोरोना काल में सोशल डिस्टेंसिंग का भी पाठ पढ़ा रहे हैं। रामलला परिसर के साथ ही अयोध्या के सैकड़ों मंदिर भी दमक रहे हैं। घर मंदिर पर तो बिजली की सजावट है ही, सरकारी इमारतें भी सजी है। सरयू का किनारा भक्तों की आस्था से सराबोर है। एक आंकलन के अनुसार तमाम मनाही के बावजूद 1 लाख बाहरी लोग भी इस ऐतिहासिक क्षण का गवाह बनने के लिए अयोध्या पहुंच गए हैं। उनके लिए यह एक उत्सव है। शहर, घाट और घर मंदिर को दियों से रोशन करने की तैयारियां शुरू हो गई है। सूरज ढलते ही पूरा शहर रोशनी से नहा उठेगा। शिलान्यास के बाद बुधवार को रामलला का शहर तो जगमग होगा ही, पूरा देश भी रोशनी से सराबोर होगा। विश्वामित्र महामुनि राय, इनके संग चले जो भाई, कैसे राम तारी कामाई, कैसे नाथ हिलया तारी। अयोध्या में सरयू घाट पर शाम होते ही आंजनेय सेवा संस्थान 2100 दीपों की महाआरती करेगा। कई मंदिरों में सोमवार से ही दीपोत्सव शुरू हो चुका है। तपस्वी छावनी के महंत परमहंस दास ने 5100 दीप जलाए, तो उदासीन ऋषि आश्रम में हफ्ते भर से दीप जलाकर मंदिर निर्माण की शुरुआत की खुशी मनाई गई। शाम होते ही तमाम मंदिरों में रामलला से जुड़ी नृत्य नाटिकाएं भी शुरू हो जाएंगी। दिन में भी कई मंदिरों में नाटकों की घंटियां और घुंघरू की आवाज गूंजती रही। भूमि पूजन और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के स्वागत के लिए 5100 कलश तैयार किए गए हैं। कुछ कलश भूमि पूजन में इस्तेमाल होंगे और कुछ कलश को जहां से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का काफिला गुजरेगा, वहां पर सड़क के दोनों किनारों पर रखा जाएगा। पीएम मोदी जब अयोध्या पहुंचेंगे, तब सरयू दर्शन पूजन आचमन करेंगे। फिर वह हनुमान गढ़ी आएंगे और यहाँ हनुमान जी के दरबार में दर्शन पूजन परिक्रमा करेंगे। यहाँ पीएम मोदी को आशीर्वाद और मंत्र स्वरूप साफा बांधा जाएगा, साथ ही गदा सौंपी जाएगी। पीएम मोदी का स्वागत करने वालों में बाबरी मस्जिद के पक्षकार रहे इकबाल अंसारी भी रहेंगे। इस दौरान वो पीएम मोदी को रामचरितमानस राम नाम का साफा देंगे। ट्रस्ट की ओर से अपील की गई है कि अधिक लोग भूमि पूजन स्थल पर ना आए, अपने घरों में रहकर दिए जलाएं और राम नाम का पाठ करें। कोरोना संकट के कारण सोशल डिस्टेंसिंग का पालन किया जा रहा है। 4 अगस्त मंगलवार से भाद्रपद शुरू हुआ है। भाद्रपद यानी भगवान श्री कृष्ण का जन्मोत्सव और भगवान श्री गणेश का घर घर आगमन यानी राम मंदिर के शिलान्यास के साथ ही उत्सव का माहौल होगा। ब्यूरो रिपोर्ट, खबरबार न्यूज, अयोध्या।